ऑब्वियस सी बात है, मतलब बहुत दिन से इंतज़ार था कि लिव इन हो रहा है एंड ऑल सारी चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है खुश है और जितना हो सक रहा है वो अपनी तरफ से कर रहा है, मतलब कि छोटी सी अंगूठी लेकर आया है जितनी उसकी कमाई हो उस हिसाब से, तो खुश है ओवरऑल घुमा फिरा के बहुत ही ज़्यादा खुश है। आर्या की मम्मी का, हाँ 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 एक्चुअली उसके लिए तो अभी तक मतलब मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में कि मतलब बर्थडे आ रहा है नहीं आ रहा है, बट या आई एम रियली हैप्पी कि जो कुछ भी होने वाला है आई एम एक्साइटेड फॉर। हाँ वो क्या हुआ कि एक्चुअली जो मंजुला जी हैं, मैं जैसे ही इसके पहले एक सीन हुआ था कि हमारा मैं उसके साथ हूँ और हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं हमारे एंगेजमेंट को लेके, तो हम अंगूठी खरीदने जाते हैं, जबकि साहिल आर्या को ये बोलता है कि हमारा ऑलरेडी बिजनेस है ज्वेलरी का एंड ऑल, तो हम चलते हैं अपना ज्वेलरी वगैरह वहाँ से ही खरीदते हैं, लेकिन गुड्डू का ये मतलब कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है तो ये बंदा खुद होके एक छोटी अंगूठी खरीद के लाता है एंड वहाँ पर ताना ये मिलता है उसे कि भाई ये जो अंगूठी लाया तो थोड़ा सा बड़ा लेकर आया होता, मीन्स अग्रवाल फैमिली से तेरा मतलब जो भी रिश्ता जुड़ने जा रहा है एंड ऑल, तो थोड़ा बड़ा लाया होता, ये तार की तरह क्या अंगूठी लेकर आ गया, तो बस यही है इफेक्ट। ऑब्वियस ही बात है मतलब वो सच्चे दिल से अभी मतलब जहाँ तक तो अभी तक मुझे पता है कि आर्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो, एंड उसे बस इतना ही पता है जो कुछ भी कर रहा है वो दिल से कर रहा है, बिकॉज अभी ट्रैक तो यही चल रहा है कि वो ड्राइविंग कर रहा है, उसका जॉब छूट चुका है, लॉस्ट हो गया, सब कुछ बर्बादी है, तो अभी तक वो घर में किसी को बताया नहीं, इवन आर्या को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, तो बेचारा जो भी सेविंग्स थी उस हिसाब से अंगूठी लेकर आया, और कोई सामने से मंजुला अगर उसे बोल रही है तो ऑब्वियसली बात है उसे बुरा फील होगा, बट वेदिका आके मेरा सपोर्ट करती हैं, वो मतलब मेरी तरफ से रहती है वेदिका जी, तो यही कहती हैं कि जो कुछ भी है वो अपने कमाई से लाया है, मतलब करोड़ों मतलब आसानी से कमाए हुए करोड़ों रुपये से भी ज़्यादा कीमत, मतलब एक बोलते हैं ना मेहनत से कमाई हुई एक रुपये की भी कीमत होती है, लाइक दैट या